हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो कर्नाटक का बॉस कौन होगा, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, हमारे साथ तीन खास मेहमान या यूं कहें कि तीन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ ही नवीन कुमार वरिष्ठ पत्रकार और ए के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत मैं आपसे करूंगा। एक मिश्रा जी, आपने दोनों को सुना है, प्रमोद जी को आपने सुना, नवीन जी को आपने सुना, और दोनों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं पिछला जो रिकॉर्ड रहा है वोटिंग परसेंटेज का, उस रिकॉर्ड को इस बार टूटा हुआ हम पाएंगे, क्या आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, 70% जो पिछली बार हुआ था 70.2, तो मुझे लगता है कि लगभग इसी के हेर फेर जाएगा, 2-4% आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एक घंटे है आपकी जो स्पीड होती है वोटिंग की और लोगों को फारिग करना, जो पोलिंग बूथ के जो काम होते हैं, तो 70-72-73% या 1-2% उसके आगे पीछे जाएगा। 80-85% का तो मुझे नहीं दिखता है। अगर 80-85% का एवरेज आना होता तो वो शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग होती है, काफ़ी क्राउड रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखना ये है कि अगर मान लीजिए 70% जो हुआ वोटिंग, इतनी वोटिंग तो पिछली बार भी हुई थी, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर 75% के आसपास जाता है या 70% से बिलो जाता है, 65% 60% 55% जाता है। अभी जैसे बात हो रही थी कि भाई वोटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो पब्लिक बदलाव चाहती है, ये बात सही है, लेकिन अगर वोटिंग कम होती है ना तो भी वो एक बदलाव का संकेत है। जैसे अगर 55% की वोटिंग होती है तो वो भी एक, ठीक है, वो निगेटिव बदलाव का होता है, जनता जो है वो उदासीन होती है, वो पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या सारी पार्टियों की परफॉर्मेंस से उतनी खुश नहीं होती है, तो उतना उत्साह के साथ वो नहीं लेते हैं। तो रिजल्ट तो तीन कंडीशन में रिजल्ट बदलना ही बदलना है। अगर सेम वोटिंग परसेंटेज रहा तो भी रिजल्ट बदलेगा, ज़्यादा हुआ तो भी पुराना रिजल्ट बदलेगा, कम हुआ तो भी पुराना रिजल्ट बदलेगा। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिजल्ट तो बदलना ही है, हर हालत में रिजल्ट बदलना है। ए के मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि हालांकि हम देख रहे हैं किस तरीके से दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं और दावे किए भी जाते हैं, शाह तो कह रहे हैं कि हम 130 प्लस सीट जीतेंगे, वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हम तो 150 जीतेंगे, तो अपने अपने दावे जो है वो किए जा रहे हैं। दावे सभी का हक है करने का और करने भी चाहिए, लेकिन जो वादे किए गए थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने वो वादे 5 साल के भीतर वो पूरे किए? आपको लगता है, एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था क्या वो किया, और जो अब घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए, आपको लगता है कि अगर सरकार बन भी जाती है तो क्या आने वाले समय में उन्हें पूरा कर पाना इतना आसान होगा, जिस तरीके के इतने हमने देखा कितने तगड़े तगड़े वादे जो है उसमें किए गए? नहीं अमित जी, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर इनके, मैं कांग्रेस की अगर मैं बात मानूं तो उन्होंने बोला है कि भाई 95-96% हमने अपने वादे पूरे किए हैं। मैं एग्री करता हूं, आपने लिखा है, आपका रिसर्च है, मैं इसको मान भी लेता हूं। सवाल यहां पे ये है कि जो पोलिंग होती है, जो इलेक्शन होता है ना, आपने कई बार देखा होगा कि सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा प्रशासन हुआ, ग्रोथ हुआ, लेकिन वो पब्लिक ने दूसरी बार उनको हरा दिया। मैं बोलना ये चाहता हूं कि जो इलेक्शन और वोटिंग का लगभग 15-20 दिन, एक महीने का पीरियड होता है ना, इंडिया का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और वोटिंग प्रोसेस है का बिहेवियर इनका देखेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादातर एक कॉन्सेप्ट है साइकोसोमेटिक, मनोदैहिक, बहुत कुछ भावनाओं पर भी लोगों के डिपेंड करता है। मैं आपको बोलता हूँ, यूपी इलेक्शन देखिए, विकास वगैरह के मुद्दे जो है पीछे हो गए, 3 तलाक का मुद्दा आगे हो गया, राम मुद्दा आगे हो गया, सब लोग सड़क वगैरह सारी चीजें भूल गए, तो यहाँ पे भी ये चीज है। बिल्कुल, इसके कारण मैं ये एक मिश्रा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जातिगत समीकरण जो है वो मायने रखते हैं कर्नाटक में। एक मिश्रा जी, पहला रिएक्शन मेरा आपसे इसी पर रहेगा, किस कैसे देख रहे हैं, आपको लग रहा है वो 70 का आंकड़ा जो आप कह रहे थे शुरुआत में पार होगा वो? 70 ठीक है, 1-2% आप आगे पीछे देखेंगे तो वो चीज हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ सबसे ध्यान देने बात ये है कि जैसे मैसूर हुआ, जो कि वोकालिंगा का गढ़ माना जाता है, जेडीएस का गढ़ माना जाता है, जैसे मैंने कई और चैनलों पे बोला है, मुझे ज्यादातर, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा वो अब की बार जेडीएस को होगा। उसके पीछे बहुत सॉलिड लॉजिक है। जेडीएस पिछली बार 40 सीट्स इनके पास थी और 20% का इनको टोटल जो है वोट मिला था, और अब कांग्रेस को देखेंगे तो 36.6% मिला था और बीजेपी को 19.9% मिला था, येदुरप्पा जी को जो है लगभग 7-8 9.9 मिला था,
बाकी सबको जो मिला था किसी को 2-4%। अब आप एक इक्वेशन देखिए, मैं न्यूमेरिक फॉर्म बताता हूँ क्यों बीजेपी बड़े आराम से जीतेगी। कांग्रेस ने जो 117 सीट मिली थी वो 36.6% वोट था, आज की डेट में उस वक्त येदियुरप्पा जी अलग थे, आज बीजेपी को मिला दीजिए, येदियुरप्पा को मिला दीजिए, एक दो केजेपी वगैरह छोटी मोटी पार्टी है वो भी बीजेपी में विलय कर गई है, 7 लोग निर्दलीय जो खड़े थे अगर आप उनको भी जोड़ देंगे जिनका वोट परसेंट लगभग 7 था, तो लगभग कांग्रेस के 36.6% के अगेंस्ट ओवरऑल बीजेपी का देखेंगे तो लगभग 38% बढ़ जाता है। मैं बोलता हूं कि 70% का सारी चीजें 2013 वाली अगर सेम रिपीट हो जाए तो इन लोगों के मिलने से बीजेपी को 38% सीट मिल रही है, तो बड़े आराम से बना लेगा। अब सवाल यह है कि लोग बोल रहे हैं, देखिए आपने एक चीज बोला कि भाई पहले जो है ये ओपिनियन पोल ये आया था कि हॉज पॉज टाइप का किसी को नहीं मिले, मैं बोलता हूँ देखिए ओपिनियन पोल क्या होता है, भारतीय मतदाताओं का जो एक मानसिक स्थिति होती है ना डिसीजन मेकिंग, वो बहुत हॉज पॉज होती है, और देखिए कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी ये कहावत है, तो आप सोचिए दिमाग कितनी तेजी से यहाँ लोगों का बदलता है एक दिन में। सवाल यह है कि अगर 40 सीट से बीजेपी 95 में पहुंच सकती है तो यानी कि एक जो मिनिमम जो है एक उसको ताकत चाहिए, अगर वो 2.5 गुना का वो जंप लगा सकती है तो 15 सीट और आराम से वो उसी ताकत से लगा लेगी, मतलब वो कैपेसिटी है, तो 115, 113, 117 तक पहुंचना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नुकसान जेडीएस को इसलिए सबसे ज्यादा होगा, आप देखिए जेडीएस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, इनकी कैंपेनिंग का नेचर अगर आप ये सारी चीजें पॉलिटिकल एनालिसिस हर चीज देखेंगे। एक मिश्रा जी लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि जेडीएस का गठबंधन हुआ है बीएसपी के साथ और कर्नाटक में दलित जो वोट है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, कांग्रेस का भी गठबंधन सपा से हुआ था। सवाल यह है कि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन एक होता है टेक्टिकल एग्जीक्यूशन। मैं बोलता हूँ एक दिन भी मायावती जी वहां पे नहीं गई, आप सबसे गठबंधन कर लीजिए, एग्जीक्यूशन आपका क्या हुआ है, एक बार भी आपने भाषण नहीं दिया, किसी टीवी पे किसी मीडिया पे आप हाईलाइट नहीं हो रहे हो, तो वो डोरमेंट फेज में इनकी सारी कैंपेनिंग चली गई है। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, मेरे कहने का मतलब केवल समीकरण बना लेना जरूरी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करके वोटरों को एहसास दिलाना होता है, उनके माइंड में एक प्लेस बनाना होता है, वो मुझे जेडीएस का कहीं नहीं दिख रहा है। जेडीएस का ओवरऑल देखेंगे तो वो हमेशा से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ये की है या चाहते ये हैं कि जीत हार तो छोड़ो हम किसी तरीके से किंग मेकर बन जाए, तो वो मुझे ये लगता है, पहली बार मुझे ये लग रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 40 से ये 20-25 पे आ जाए, 10-15 सीटों का इनको डैमेज होगा। पिछली बार जब बीजेपी बहुत कमजोर थी, जेडीएस को 40 सीट मिली, कांग्रेस क्लियर कट मेजोरिटी में आई थी 117, जब ये तब किंग मेकर नहीं बन पाए, इनके पास इतना सुनहरा माहौल था और मौका था, तो अब इतने कॉम्पिटिटिव मतलब फेज में ये कैसे किंग मेकर बन जाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिख रही है, मैं क्लेम तो नहीं करता हूं लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ मतलब माइंड में जो है दिमाग में ये चीज आ रहा है, हो सकता है कि येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री न बनाए और ये भी हो सकता है कि वो अपनी सीट हार जाएं। उसका रीजन है, देखिए येदियुरप्पा जी को जो अभी आपने बोला मजबूरी है कि जरूरी है, येदियुरप्पा जी को सर ये चर्चा तो शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था तब भी चल रही थी कि विजय रूपाणी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उनको घोषित तो कर दिया उन्होंने उम्मीदवार, लेकिन सीएम बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो बाद में कहा गया, शाह ने खुद कहा कि तो बकवास है, इसके पीछे लॉजिक है, विजय रूपाणी नहीं, येदियुरप्पा जी के पीछे लॉजिक आप बता रहे हैं ये बात, नहीं नहीं ऐसी चर्चा भी चल रही है, नहीं नहीं बीजेपी का आप नेचर समझिए, उनकी स्ट्रेटजी समझिए, देखिए है क्या, क्यों योगी जी को यहाँ से उठा के लेके गए वहां पे प्रचार के लिए, येदियुरप्पा जी को प्रचार में कभी भी हाईलाइट नहीं किया, देखिए येदियुरप्पा जी को ये अलग नहीं रखना चाहते हैं और उनका फायदा भी लेना चाहते हैं, इसलिए जो है उनका फायदा लेना मतलब इनके बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि येदियुरप्पा जी को हाईलाइट करें तो जो अपोजिशन है उनके ऊपर करप्शन के केसेस है वो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे और बीजेपी की जो ईमानदार उसकी जो इन्होंने एक छवि बनानी है उस पर डेंट लगेगा, इसलिए इन्होंने येदियुरप्पा जी को पीछे कर दिया। और मुझे ये लगता है अगर बीजेपी इलेक्शन क्लियर कट जीत गई ना तो हो सकता है येदियुरप्पा जी को ये नेपथ्य में डाल दें या सेंटर में डाल दें मुख्यमंत्री। और देखिए बीजेपी का एक फंडा है सर, सरप्राइज मतलब ये करने में बहुत माहिर है, हो सकता है ऑल ऑफ सडन किसी और चीजों को ये जो है किसी और को ये मुख्यमंत्री के लिए जो है आगे कर दें। और ये भी पॉसिबल है कि येदियुरप्पा जी दो जगह से अपना जो है पर्चा भर रहे थे, भरने नहीं दिया गया, इनको एक जगह से भरने दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ये अपनी सीट भी हार जाए या हरा दिए जाए। एक मिश्रा जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन प्रमोद जी
किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो एक तरफ लिंगायत हैं, दूसरी तरफ वोक्कालिगा हैं, अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो फिर दलित हैं, मुस्लिम हैं। दलित और मुस्लिमों को साधने की किस तरीके से कोशिश जेडीएस की ओर से की गई है, मुस्लिमों को किस तरीके से कांग्रेस से साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी ने किसी को टिकट ही नहीं दिया मुस्लिम उम्मीदवार को, इन सब चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? अमित जी, एके मिश्रा जी जो बताया, माफी चाहूँगा प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप इन हाई प्रोफाइल सीटों को आप देख रहे हैं, और सिद्धार्थ मैया तो दो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर सवाल भी उठाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं पहले ऐसा लग रहा है कि हार स्वीकार कर ली है मुख्यमंत्री ने, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो एके मिश्रा जी ने बोला था कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं बीजेपी के, वही अपनी सीट बचाना उनके लिए मुश्किल है, और बीजेपी ने दो सीटों पर लड़ने के लिए मना कर दिया उनसे, तो हो सकता है कि ये जो कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम है। लेकिन ये जो एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि जेडीएस कमज़ोर होगा इस बार, इतना कमज़ोर नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, 40 से जो है 25-30 सीटें तक आ सकती हैं, क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि उनके क्षेत्र में दक्षिण कर्नाटक में उनके घर घर में देवगौड़ा की तस्वीर लगी हुई, उनको भगवान की तरह मानते हैं लोग, तो इतना जेडीएस का गिरना बड़ा मुश्किल है। और रोल जो रहेगा इसमें, मेन जो रोल है जेडीएस का ही रहेगा सरकार बनाने में। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, नवीन जी छोटा सा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि हालांकि लगातार हम सुन रहे थे कि एके मिश्रा जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा वहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा रहा है कहीं ना कहीं देखने को ऐसा मिला है कि जो भी पार्टी वहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीतती है वो लोकसभा का हार जाती है, लोकसभा का जीतती है तो विधानसभा का हार जाती है, कुछ ऐसा रहा है, ये धारणा है वहाँ के लोगों में। एके मिश्रा जी जल्दी से एक छोटा सा आपका भी मैं चाहूँगा। नहीं देखिए, जैसे अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि अगर 40 से 25 पे भी आ गई आपकी जेडीएस तो 33-35% का लॉस हो गया, ये बहुत बड़ा लॉस होता है गेम को चेंज करने के लिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, देखिए एक टर्म होता है पॉलिटिकल पोजिशनिंग, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, बड़ी स्ट्रेटजिक है। देखिए, इन्होंने एक भी मुसलमान को जो है टिकट नहीं दिया, यूपी में भी नहीं दिया, हारे जीते कोई भी वो बात दूसरी है, लेकिन इतने गजब तरीके से बीजेपी क्लियर कट पोजीशन करती है कि वोटर्स के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पे दूसरी पार्टियों के साथ क्या है, वो सबको देते हैं, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि वोटर कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे मुसलमान वोटों का अगर देखें या जेडीएस का जो वोट बैंक है अगर उसको देखें, तो एक जब लहर चलेगी ना जेडीएस के वोटरों को लगेगा कि भाई हमारी पार्टी हार रही है, तो पब्लिक अपने आप भाग जाती है दूसरी तरफ। मिश्रा जी आपका, प्रमोद शर्मा जी आपका, और नवीन कुमार जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।